नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, इस साइट में मालिक के तरफ से किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं किया गया, बस कमी है तो मिस्त्री के थोड़ा सा तरीका सुधारने की देरी है। दोस्तों, यहाँ पे जो मिस्त्री का तरीका है वो सरासर गलत है। किस तरीके से, ये मैं आपको बता रहा हूँ, और ऐसे गलती आपको अपने साइट पर नहीं करवानी है। और नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब आपको कर ही लेना चाहिए। दोस्तों, आप देख सकते हैं नीचे में प्लिंथ बीम दिया गया है, और नीचे में देखेंगे दोस्तों तो इसको टाई बीम कह सकते हैं। ये ग्राउंड बीम मैं इसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि ग्राउंड बीम समझ करके मिस्त्री की तरफ से ज़रूर दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड बीम नहीं है। दोस्तों, आप देख सकते हैं जब भी 3.5 फीट 4 फीट की दूरी होती है, ठीक है, मिट्टी 4 फीट भरना रहता है दोस्तों, तो 2 बीम मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि एक ग्राउंड बीम दे दीजिए और दूसरा दोस्तों यहाँ पे प्लिंथ बीम दे दीजिए। दोनों बीम दिया गया है, प्लिंथ बीम तो अपने जगह पर सही है दोस्तों, लेकिन जो ग्राउंड बीम है इसको देने का तरीका देख लीजिए, ठीक है। गलती कहाँ पे हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, और इससे कितना ब्लंडर गलती हो गया ये आप समझेंगे दोस्तों। दोस्तों, आप देखेंगे मिट्टी जब भी दोस्तों यहाँ पे भरा जाएगा, ठीक है, मिट्टी धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होगी तो इसको बाहर निकलने का जगह मिल रहा है, चूंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा गैप है, ठीक है, यहाँ पे गैप है। आगे में देखेंगे दोस्तों तो आगे में ये गैप जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है, और यहीं पे मिस्त्री जो है वो मार खा गया है, यहीं पे दोस्तों उसको कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई है। आगे देखेंगे तो आगे बिल्कुल जो है वो ठीक ठाक यहाँ पे काम चलने लायक दोस्तों, यहाँ पे गैप वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। तो गलती कहाँ पे हुई है ये देख लीजिए, कितना ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे गैप मिस्त्री ने कर दिया है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं इधर चलता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। बस 1-2 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन आपके लाखों रुपये की बचत भी करवा सकता है अगर आप घर बनने से पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपको करना चाहिए ग्राउंड बीम देने समय एक चीज़ गांठ मान लीजिए, ग्राउंड बीम जो रहेगा हमेशा जो ये मिट्टी है ना, नॉर्मल जो ज़मीन है उससे लगभग 6 इंच नीचे से स्टार्ट करवाइए ग्राउंड बीम दिलवाना, ठीक है, फिर ऐसा गैप नहीं आएगा। दूसरा चीज़ है दोस्तों, हमेशा कोशिश कीजिए लेबल मिलाइए, ठीक है, ग्राउंड बीम देने से पहले लेबल लीजिए, ठीक है, लेबल लीजिए। जो पार्ट सबसे नीचे है ना, जैसे ये वाला पार्ट नीचे है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर है, तो इसका लेबल से दोस्तों ग्राउंड बीम आपको दिलवाना है। उसको थोड़ा सा गड्ढा करना होगा मिट्टी को, ठीक है, लेकिन दोस्तों ये गैप तो नहीं रहेगा ना, इसलिए हमेशा जो नीचे में है पार्ट उसको लेबल से दोस्तों जो है ग्राउंड बीम आपको दिलवानी है, ठीक है। फिर दोस्तों मिट्टी भरिए, प्लिंथ बीम दिलवाइए और निश्चिंत होकर के घर बनवाइए दोस्तों, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। बैक फिलिंग की बात कर लेते हैं, एक बार में आपको मिट्टी पूरा का पूरा डंप नहीं करवाना है, नहीं तो इससे टाइल्स वगैरह उखड़ने का जो दीवार में स्ट्रेंथ रहते हुए भी दोस्तों मिट्टी नीचे धंसेगा और टाइल्स में दोस्तों एयर गैप बन जाएगा, उस साइड आपका टाइल्स वगैरह टूटेगा। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, कि आपको जो है वो 1-1 फीट का मिट्टी भरवाना चाहिए, फिर उसमें पानी देना चाहिए, अच्छे तरीके से उसको कॉम्पैक्ट करना चाहिए, फिर दोस्तों मिट्टी भरिए, फिर पानी दीजिए, फिर दोस्तों दुरमुस मारिए। इस तरीके से लेयर बाय लेयर अगर बैक फिलिंग करवाते हैं तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये ग्राउंड बीम वाला भी चीज़ आपने देख लिया, और कैसे फर्श वगैरह को टूटने से बचाया जाए इस चीज़ को भी आपने इस वीडियो में समझ लिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें, ये गलती आप नहीं करेंगे और आप सही तरीके से दोस्तों अपने घर का निर्माण जो है वो बिल्कुल करवा पाएंगे। तो फिर मिलते हैं